सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपना स्पंकी रेंटू, एंड आज की वीडियो में हमारा रजिस्ट्रेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है हमारे बजाज चेतक का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम अपने स्कूटर की रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। और एक पार्ट मैंने पहले भी इसका अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन का, जो कि अच्छे 2 साल पहले किया था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पे मेरे को नहीं पता था कि कौन से प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो अभी हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले इसकी, मतलब प्रॉपर डेंटिंग, पेंटिंग और इंजन रिपेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंडीशन, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ क्या हाल है इसके। ठीक है, टेल लाइट देख सकते हो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, यहाँ से ये भी टूट चुका है पूरा, एंड इधर से भी देख सकते हो पेंट पूरा ख़राब हो चुका है। ये देख सकते हो पूरा रस्टिंग पूरा ख़राब हो चुका है, नीचे से मैंने आपको दिखा दिया। तो इस पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब पूरा दिखाने वाला हूँ कि हम इसको डिसमेंटल करने वाले हैं पूरा अच्छे से। एंड ये फर्स्ट पार्ट है, हम लोग इसका मतलब काम अब से आज से शुरू कराने वाले हैं। 3 से 4 वीडियो में आपको प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाते हुए, एक एक सीरीज़ बना के आपको दिखाऊंगा कि आप अपना स्कूटर कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। एंड कमेंट करना, मेरे को बताना, अपने सजेशन देना कि भाई ये चीज़ लगवाओ, ये चीज़ मत लगवाओ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कुछ बताएं मेरे को। एंड टायर की हालत देख सकते हैं ख़त्म हो चुके हैं, रिम की हालत ख़त्म हो चुके हैं, बुशेज में दिक्कत है, मडगार्ड। आप अगर वैसे मेरा स्कूटर देखेंगे तो ऊपर से आपको ठीक लग रहा होगा, बट अंदर से कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर होल्स हो चुके हैं, गल चुका है, तो ये रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप जानते हैं। और ओवरऑल देख सकते हैं वैसे इतना बुरा नहीं दिखता, बट स्टिल काफ़ी बुरी कंडीशन में। और इंजन की बात करें तो इंजन की सर्विसिंग अभी करनी ज़रूरी है, एंड छोटी मोटी चीज़ें इंजन में, बाकी मेन इंजन पार्ट जो होते हैं वो इसके एकदम हेल्दी है। एंड एक बार आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ और फिर चलते हैं वर्कशॉप में और काम आज से हम शुरू करवा देंगे। ये आप साउंड सुन सकते हैं इंजन की, चलिए डैड आपको मिलते हैं पहुंचने के बाद वर्कशॉप में। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और बेसिकली अभी यहाँ पे खोलने का काम चल रहा है, मतलब इसको पूरा डिसमेंटल करने में लगे हुए हैं। फ्लोर ठीक है, बट एक ये वाला पार्ट होता है ये पूरा ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे एक पत्ती टाइप के पूरा इंस्टॉल कर देंगे नीचे तक, तो जिससे कि वो उसका इफेक्ट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये, मतलब होल्स जो हैं वो पूरे भर जाएंगे। और बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इसको खोलने में, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जंग लग चुका है खतरे जगह पे, ये देख सकते हो आप। It's that first day of first grade, that cute girl, your third day, that backpack, that snapback you've had since the third grade, the first time. So guys, दोनों पैनल यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, और देखो हालत कितनी बुरी हो रखी है इसकी, पूरा गल गया है। और ये फुटरेस्ट होता है वो जहाँ ज्वाइन करते हैं उसको, वो पार्ट भी पूरा गल चुका है। और उधर से आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कि मतलब क्या कंडीशन है उसकी, ये देख सकते हैं यहाँ से इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, बट यहाँ से भी ये गल चुका है, और नीचे से पूरा एग्जॉस्ट वगैरह शायद चेंज कराना पड़े। बाकी अभी ये रेडी हो चुका है रिपेयरिंग के लिए, एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी पेंटिंग दिखाने वाला हूँ। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा स्कूटर के ऊपर, और डुअल कलर अच्छा रहेगा या सिंगल अच्छा रहेगा, डार्क लाइट, जो भी है। अगर आपके आपको लगता है कोई भी सजेशन है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे पार्ट्स पड़े हुए हैं इसके, डिग्गी है, फ्रंट नोज़ है, ये भी साइड पैनल है, सीट का कुछ सोचा है हमने अलग, मतलब थोड़ा कैफे रेसर टाइप, मतलब थोड़ा सा और, मतलब इसको और बेटर और सॉफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे। व्हील्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे ये सब रिपेयर होना है, एंड वो पार्ट शायद आपको अभी मैं दिखा पा रहा हूँ, ये देख सकते हैं इन होल्स की वजह से मेरे को ये स्कूटर दोबारा रिस्टोर कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये बढ़ते चले जाएंगे और ये कम होने का नाम नहीं लेते। तो वहाँ पे एक प्रॉपर शीट मेटल हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर एक शीट हम लगा देंगे नीचे तक, तो उससे क्या होगा कि ये इशू इजीली सॉल्व हो जाएगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए सॉरी, और
बाकी आगे मैं दिखाता हूँ आपको जो भी अभी काम होता है हमारा, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आपको मैं दिखाता रहूँगा, तो देखते रहिए आप। सो गाइस यहाँ पे ना टैंक हमने रिमूव कर दिया, आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारा टैंक, रस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, ख़राब नहीं है। अंदर से आपको दिखा देता हूँ, अंदर ही आई होप आप लोगों को दिख जाएगा, ये देख सकते हो, मुश्किल है देखना, रस्टिंग हल्की सी है, मतलब जंग नहीं लगा है, गंद भरा हुआ है इसके अंदर, मतलब सफाई होनी है इसकी, तो टैंक साफ़ करा देंगे, और जो मेन वर्क है हमारा बस वो कराने के बाद इसमें पेंटिंग का काम शुरू हो जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। और यहाँ से देख लो कंडीशन। सो गाइस यहाँ से सब कुछ खुल चुका है, स्कूटर का हमने ये टायर वगैरह सब निकाल दिया है पूरा सेट, और चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ, मतलब जो मेन अब रिपेयरिंग का काम है वो अब शुरू होने वाला है। और अंकल ले गए स्कूटर को, मतलब एक हाथ से उठा के ले गए, तो हो रहा हमारा स्कूटर। एंड आई होप गाइस आप लोग देख पा रहे हैं इसको। मेन जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे रस्टिंग का इशू था, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा इंस्टॉल करने वाले हैं, उसके बाद इसको एक मिनट अब जी खाना। ये देखो पूरा गल चुका है अंदर तक, तो गाइस देख सकते हो पूरा गला हुआ यहाँ से, तो बस यही मेन चीज़ है जो कि रिपेयर कराने वाली है। एंड आई होप मैंने वाइड एंगल पे कैमरा सेट किया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भैया ने कट कर लिया अच्छे से, मतलब जो पार्ट हमें लगाना है ये देख सकते हैं, ऐसे करके इसको लगा देंगे और उसको अच्छे से अंदर से भी इसको फिल कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मतलब पूरा अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है, मतलब यहाँ तक पूरा ए टू जेड, इधर आओगे तो इधर से भी पूरा इंस्टॉल कर दिया, मतलब इसको वेल्डिंग करना बाकी है। और जो इधर से आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, मेन होल्स इधर की साइड पर हैं, इसके अंदर छुप रहे हो, तो उनको भी अच्छे से रिपेयर कर देंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी बुरी हालत है, तो ये भी भैया अच्छे से इसको प्रॉपरली रिपेयर करने वाले, मतलब कोई इशू नहीं आएगा, ये देख सकते हो आप। बाकी हालत थोड़ी सी बुरी है, बट ये आज आज में शायद रिपेयर हो जाएगा। हाँ जी जी। सो गाइस यहाँ पे गैस वेल्डिंग काम शुरू हो गया है, गैस वेल्डिंग भैया ने करनी स्टार्ट कर दी है, ये देख सकते हो आप, मतलब इसको आपको देखना चाहिए। You got laid the worst time, you got played, it hurt but you're okay, you learn from your mistakes, your friends back in high school, we thought we were so cool, we'd steal Jack, my dad's stash, and drink the whole night through, the first time you first moved, that's new job, a new roof, new student, made new friends, a new start, a new you, I guess things could be worse, dad's in sales and my mom is a nurse, yeah. Family comes first, remember all the good and forget about the worst. Yeah, some things will burn and others will hurt, but you can make it work. Yeah, just flash back and be glad that you. So guys, yahan pe proper puri welding wagaira ho chuki hai, aap dekh sakte ho pure acche se yahan pe welding kar di hai bhaiya ne, aur kahin se bhi koi bhi issue nahi hai, ab bas bhai isko grinding karne wale hai, aur yahan pe grinding shuru hone wali hai iski, start kar do bhaiya grinding, aur ye raha grinder। फिनिशिंग देख सकते हो, बाकी पेंट होने के बाद ज़रा सा भी इसमें कोई भी इश्यू नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम प्लेन सरफेस पे हो जाएगा, मतलब पता नहीं लगेगा कि हाँ कुछ किराया भी था इसके ऊपर। और जो ये वाले हिस्से हैं कॉर्नर्स वाले, ये भी रिपेयर कराने हैं अभी, तो देखते रहिए वीडियो। सो गाइस यहाँ पे ग्राइंडिंग पूरी हो चुकी है, बस आगे हमें बस एक टायर लगाना है, अभी मडगार्ड अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, मडगार्ड अभी हम लोग इसमें लगाएंगे नहीं, और ये छोटे मोटे चीज़ें हैं ये भी रिपेयर करनी बाकी हैं, और अंदर की साइड से देख सकते हो और इस साइड से भी आप देख सकते हो पूरा अच्छे से,
क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये देख सकते। तो बेसिकली अब इसका जो मेन चेसिस है, मतलब इसमें चेसिस तो होता नहीं है, मतलब फ्रेम है, फ्रेम जो है वो प्रॉपर अच्छे से हो गया है, मतलब फिट हो चुका है, प्रॉपर अपना स्ट्रॉन्ग हो गया एकदम फ्रेम इसका, एंड काम चल रहा है अभी। एंड बस अभी इसमें हम मेन मेन पार्ट्स इंस्टॉल कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा मूव हो सके, एंड कल होने वाली यहाँ पे पेंटिंग, तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। तो गाइस गोप्रो की हो गई थी बैटरी डाउन और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिपेयरिंग वाला काम था वो भी हो चुका है, अब बस छोटे छोटे जो होल्स हैं उनको भी रिपेयर कर रहे हैं और जो छोटे मोटे डेंट हैं, एंड नेक्स्ट पार्ट में होने वाली पेंटिंग और पूरा मतलब अच्छे से पेंट होने वाला है, और जो बेसिक रिपेयरिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, एंड बेयरिंग वगैरह और शॉकर की सर्विसिंग वगैरह ये सब चीज़ें बची हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगी, एंड आपको मिलेंगे डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि भाई ये भी आप करा सकते हो स्कूटर के अंदर। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।